व्यापार मंडल सोलह ने शहर में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए दुकानदारों के साथ प्रशासन के अनुचित व्यवहार की भी निंदा की। व्यापार मंडल सोलन के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता व महासचिव मनोज गुप्ता ने सोलन में पत्रकार वार्ता में कहा कि बाहरी राज्यों से चोरी छिपे सोलन पहुंच रहे लोगों के साथ सख्ती से निपटें ताकि कोरोना वायरस को कम्युनिटी में फैलने से रोका जा सके। गुप्ता ने कहा कि सोलन में कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए दुकानदारों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो कि सुखद बात है। इससे शहर के लोगों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि प्रशासन व पुलिस को चकमा देकर लोग बाहरी राज्यों से सोलन में पहुंच रहे हैं, जो कि कोरोना फैलने की दृष्टि से खतरनाक साबित होगा। ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को चौरास्तों पर कड़ी नजर रखनी होगी। साथ ही रेलवे और अन्य वाहनों से प्रदेश में आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन की बजाय इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाना चाहिए। साथ ही प्रशासन से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से बसों में चढ़ने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाने की मांग की। इसी तरह चोरी छुपे प्रदेश में पहुंच रहे लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किए जाने की भी मांग की। गुप्ता ने कहा कि नुकसान झेलने के बावजूद दुकानदार व व्यापारी वर्ग प्रशासन के साथ खड़ा है और प्रत्येक गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। जो घरों में काम करने वाले लोग हैं उनको होम क्वारंटाइन वाले के यहाँ जाने के बाद और घरों में जाने वाले लोग, इस तरह के लोगों को काम करने की इजाज़त ना दी जाए। और दूसरा कि जो हमारा कंप्लेन करने का नंबर है उसको डिस्प्ले किया जाए ताकि अड़ोस पड़ोस में कोई भी आने वाला संदिग्ध है उसकी खबर उस नंबर पर दी जाए। उसके अलावा जो हमारे जो बैरियर हैं उन पर सख्ती बढ़ाई जाए ताकि चोरी छिपे से लोग हमारे शहर सोलन के अंदर में ना पहुंच सके। जो हमारे जो भी जिनको भी होम क्वारंटाइन किया जा रहा है उन लोगों को एक लिस्ट प्रोवाइड कराया जाए कि ये आपके जो घर के नज़दीक की दुकानें हैं और आप यहाँ से संभाल लें। चाहे वो होम डिलीवरी पहले भी हमारे दुकानदारों ने की है, लॉकडाउन के दौरान भी की है, आज भी कर रहे हैं, तो वहीं से वो संभाल लें, अन्यथा बाजारों के अंदर में ना आए। और आम जन जो है उनसे भी हमें ये एक आग्रह किया है कि वो भी जो आमजन जो है बाजारों में कम से कम आए जब उनको सामान की जरूरत हो। उन्होंने कोरोना संक्रमण के खतरे से निपटने के लिए दुकानों में सीसीटीवी लगाने की अपील की है। व्यापार मंडल ने प्रशासन की गाइडलाइन जैसे बाजार में बिना मास्क घूमना, सामाजिक दूरी का पालन न करने वाले लोगों के चालान काटने की भी मांग की। पीएलटीवी के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।